हे फूडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपी की रसोई। तो आज हम बनाने जा रहे हैं एक नई रेसिपी जो कि है पनीर की। पनीर की आपने नॉर्मल कई तरीके की रेसिपीज ट्राई करी होगी, मगर आपने ये रेसिपी कभी ट्राई नहीं करी होगी। तो ये है पनीर मंचूरियन की रेसिपी, जिसे मैंने सर्व किया है फ्राइड राइस के साथ। आप इसका कलर देख सकते हो, उसका टेक्सचर देख सकते हो। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है, बहुत ही ज़्यादा जल्दी बनने वाली ये रेसिपी है। तो आप रेसिपी के अंत तक बने रहिएगा और देखिएगा कि ये किस तरीके से बनती है, और ये बनाना बेहद ही आसान है, इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया कि आज हम बनाने जा रहे हैं पनीर मंचूरियन, तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे यहाँ पर पनीर से। तो यहाँ पर मैंने 200 ग्राम पनीर लिया है, जिसे मैंने इस तरीके से क्यूब्स में कट कर लिया है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम पनीर को करेंगे कोट। तो कोटिंग के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे ले रही हूँ मैदा, जो कि मैंने लिया है 3 टेबल स्पून। अब यहाँ पर मैं इसमें डाल रही हूँ 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मसाले, सबसे पहले स्वाद अनुसार नमक। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1/4 टीस्पून काली मिर्च, 1/2 टीस्पून चाट मसाला, 1/4 टीस्पून गरम मसाला। तो यहाँ पर आप गरम मसाला ज़रूर ऐड करिएगा, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आ जाएगा इसमें। तो अब मैं इसमें डालूँगी पानी। तो पानी हमें एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है और इसे मिक्स करते चले जाना है। और यहाँ पर जो उसका बैटर बनेगा वो ज़्यादा हमें पतला नहीं रखना है, तो इस तरीके से हमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते रहना है और इसे मिलाते चले जाना है। तो हमें इसे इस तरीके से मिक्स करना है ताकि इसमें एक भी लम्स ना रहने पाए। आप देख सकते हो बैटर की कंसिस्टेंसी इस तरीके से होनी चाहिए। और यहाँ पर इस बैटर को बनाने के लिए मैंने इतना पानी का इस्तेमाल किया है। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पनीर के क्यूब्स, और पनीर को हम अच्छे तरीके से हल्के हाथों से इस तरीके से कोट कर लेंगे। तो यहाँ पर पनीर को मैंने अच्छी तरीके से कर लिया है कोट, तो इसे रख देंगे साइड में और तब तक कर लेंगे तेल को गरम इसे फ्राई करने के लिए। तो तेल यहाँ पर हो चुका है गरम, तो अब हम डालेंगे इसमें पनीर के क्यूब्स को। और आंच को हम कम ही रखेंगे, मीडियम फ्लेम पे इसे पकाएंगे। तो यहाँ पर मैंने सारे पनीर क्यूब्स को डाल दिया है और फ्लेम मीडियम ही रखी है। जब ये एक तरफ से पक जाएंगे तो फिर दूसरी तरफ को मैं पलटा लूँगी। तो यहाँ पर ये एक तरफ से पक चुके हैं, तो इन्हें इस तरीके से हम पलट लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इन्हें पलट दिया है, अब इन्हें थोड़ा सा पकाकर गैस को कर देंगे बंद। तो यहाँ पर ये दोनों तरफ से अच्छे तरीके से पक चुके हैं, तो हम कर देंगे गैस को बंद। तो चलिए अब हम तैयार कर लेते हैं मंचूरियन की ग्रेवी, जिसके लिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई में ले लिया है तेल। तेल हो चुका है गरम, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं डालूंगी बारीक कटा हुआ लहसुन और इसे हम चला लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे प्याज, जो कि मैंने इस तरीके से काट लिया है क्यूब्स में, और इसको हम चला लेंगे। और इसी के साथ यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ लाल और पीली शिमला मिर्च, और इसको हम चला लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे नमक स्वाद अनुसार। अब इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, और यहाँ पर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, और यहाँ पर इन सभी चीज़ों को हम कर लेंगे मिक्स। तो यहाँ पर मैंने इसे ज़्यादा नहीं पकाया, हल्का हल्का सॉटे कर लिया है। तो अब मैं सबसे पहले इसमें डालूंगी सोया सॉस। अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून सेजवान चटनी, और अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ टमाटो केचप। तो अब इनको हम हाई फ्लेम में इसको पका लेंगे अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर इसे अच्छी तरीके से पका लिया है, तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी पानी, क्योंकि हमें थोड़ी ग्रेवी बनानी है इसकी, और इसे हम थोड़ा सा पका लेंगे उबाल आने तक। तो यहाँ पर ग्रेवी को थिक करने के लिए मैंने लिया है 2 टेबलस्पून
कॉर्नफ्लावर, तो इसका हम एक स्मूथ सा, एक हल्का सा बैटर बना लेंगे। तो उसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसमें ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा सा डालेंगे और इसको हम मिक्स कर लेंगे। इसके हमें डले नहीं बनने देना है, इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। तो यहाँ पर ये हो चुका है तैयार और इसको हम डालेंगे इसमें, एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसे इस तरीके से चलाते जाएंगे। फिर से इसको ऐड करेंगे और इस तरीके से इसको चलाते जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कितनी जल्दी ये ग्रेवी हमारी ठीक हो चुकी है और कलर कितना अच्छा आया है इसका। तो थोड़ा सा अभी हम इसको और पकाएंगे और उसके बाद इसमें पनीर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर ग्रेवी बिल्कुल तैयार हो चुकी है, तो हम कर देंगे पनीर को इसमें ऐड और इसे कर लेंगे अच्छी तरीके से मिक्स, और इसे थोड़ी देर के लिए हम पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि पनीर में भी इसका जो टेस्ट है वो अच्छे से आ जाए, फ्लेवर अच्छे से आ जाए। तो यहाँ पर ये हो चुका है अच्छे तरीके से तैयार, आप देख सकते हो उसका कलर कितना अच्छा आया है। तो अब हम कर देंगे गैस को बंद। तो तैयार है यहाँ पर हमारा पनीर मंचूरियन। तो आप देख सकते हैं इसका कलर, इसका टेक्सचर कितना अच्छा है और इसका टेस्ट भी उतना ही लाजवाब है। तो आपको आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी, इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और ट्राई करने के बाद अपनी फीडबैक नीचे कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है उसे दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाली सभी रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।